सोल लान 2 में आपने देखा डेथ सेंट गॉड एलेक्स को, जो कि हुआ युहाओ की बॉडी में गलती से आ गया था। अब वो एक बार थोड़ी सी कॉन्शियसनेस वापस पाने के बाद वहाँ हुआ युहाओ के स्पिरिचुअल सी में वापस आ गया है। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि कैसे एलेक्स गॉड हुआ युहाओ की बॉडी कंट्रोल करके स्पिरिचुअल अटैक के सिंगल अटैक से ही वियु फेंग को नॉक कर देता है। अब मैं थोड़ा एलेक्स गॉड के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत लोग का सवाल था कि एलेक्स गॉड कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि एलेक्स गॉड एक डूलियो कॉन्टिनेंट का सोल मास्टर था, और फाइनली जब वह गॉड लेवल वाली पावर अचीव करता है, तब उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस थोड़ी सी डूलियो मेनलैंड में रह जाती है, जो कि अब हुआ युहाओ के अंदर है, जो कि दिखने में एक ब्लैक ग्रे कलर की सर्कल जैसी है, और अभी उसकी कॉन्शियसनेस फुली रिस्टोर्ड नहीं है। इसलिए अभी उससे हुआ युहाओ के स्पिरिचुअल सी में उससे डीप स्लीप की जरूरत है, और उसने हुआ युहाओ से प्रॉमिस किया कि वह फ्यूचर में वह हुआ युहाओ की थर्ड मार्शल सोल बन जाएगा, जिसे आप सभी नेक्रोमांसर के नाम से भी जानते हैं, जब तक हुआ युहाओ खुद को प्यूरिफाई और रिवेंज लेने में सक्षम है, तब तक मेरे दिल में केवल खुशी और अच्छाई है। उस समय वह वास्तव में हुआ युहाओ की तीसरी मार्शल आर्ट बन जाएगा, और आप एलेक्स की अंडेड मैजिक इनहेरिटेंस को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हुआ युहाओ को तीसरी मार्शल आर्ट मिली, और जब हुआ युहाओ ने पहली बार इस मार्शल आर्ट का उपयोग किया गया, इसे मिस्टेक ऑफ सेज ऑफ विलन समझ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ मार्शल सोल इतनी भयानक होती है कि यहाँ तक कि श्रेक 7 मॉन्स्टर ने भी हुआ युहाओ को एक ईविल सोल मास्टर समझ लिया। ईविल सोल मास्टर डोरो महाद्वीप पर एक प्रकार के सोल मास्टर है, और इनकी कल्टिवेशन प्रैक्टिस बहुत क्रूर और भयानक है। और हुआ युहाओ की इस थर्ड मार्शल आर्ट का नाम डेड सेज गॉड है, जिसे आप नेक्रोमांसर के नाम से जानते हैं, जो कि सिर्फ एलेक्स गॉड की एक कॉन्शियसनेस है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग डोग ने हुआ युहाओ को हाउशन हामा क्लान में ले गया था। हाओ तियानजोंग में हुआ युहाओ के शरीर में जुएदी के जुडैन को डाला गया था। एलेक्स ने जुएदान को दबाने के लिए अपने स्वयं के कॉन्शियसनेस को जलाना शुरू कर दिया, और अंततः वह हुआ युहाओ की तीसरी मार्शल आर्ट में बदल गया। एलेक्स भी पूरी तरह से नष्ट हो गया, लेकिन उसने हुआ युहाओ से कहा कि अगर हुआ युहाओ वास्तव में भविष्य में एक गॉड बन सकता है, तो शायद मैं इसे अन्य दुनिया में पा सकता हूँ। और उसने अपने कुछ और डेड फ्रैगमेंट उसने छोड़ दिया, शायद हुआ युहाओ एलेक्स को फिर से जीवित कर सकते हैं। हुआ युहाओ को तीसरी मार्शल आर्ट मिलने के बाद पहली बार उसने इस मार्शल आर्ट का उपयोग सबके सामने किया था। यह उस समय की बात है जब कंपटीशन में हुआ युहाओ ने गुप्त रूप से सोल इंस्ट्रक्टर कंपटीशन में भाग लिया। कंपटीशन में सभी को अपने स्वयं के सोल गाइड का उपयोग करके अपने अपोनेंट के साथ लड़े। इस युद्ध प्रक्रिया के दौरान हुआ युहाओ ने अपने तीसरे मार्शल आर्ट डेड स्पिरिट गॉड का उपयोग किया और अंडेड मैजिक को खोला। जब यह मार्शल सोल दिखाई देता है, तो अजीब दृश्य ने दर्शकों को चौंका दिया। एक भूरे रंग की सोल रिंग दिखी, जो अभी भी लगातार जादुई सूत्र गा रही है। मरे हुए स्थान का दरवाजा खोला, और उसने एक सीधे एक मरे हुए ह्यूमन को लड़ने के लिए बुलाया। हुआ युहाओ की अजीब क्षमता को देखने के बाद उपस्थित सभी लोगों को लगा कि हुआ युहाओ एक ईविल सोल मास्टर है, यहाँ तक कि वांग डोंग भी। हुआ युहाओ की मार्शल आर्ट देखकर हैरान रह गया। उन्होंने ईविल सोल मास्टर के बारे में भी सोचा, लेकिन हुआ युहाओ ने उन्हें बताया कि यह वास्तव में उसका मास्टर एलेक्स है। तीसरी मार्शल सोल उसके पास बची थी, जिसका यूज करके वह अंडेड बॉडी को समन कर सकता है, और जिसमें उसके पास काउंटलेस अंडेड आर्मी है, जो कि हुआ युहाओ कंट्रोल कर सकता है।